बारामूला के जाबाजपुरा में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजा आसिफ वकार, विधानसभा क्षेत्र महासचिव मुश्ताक अहमद गनई, भाजपा के वरिष्ठ नेता एमएम वार सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर आज निर्वाचन क्षेत्र के कई युवा कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इस बीच पार्टी में उनका स्वागत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एमएम वार ने कहा कि पार्टी में इन लोगों के शामिल होने से घाटी में भाजपा को और अधिक मजबूती मिलेगी। लिमिट में कश्मीर में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारे कैंडिडेट्स हैं, सहयोगी कैंडिडेट्स हैं। अभी पार्टी के ओर से हमें कोई इशारा नहीं मिला है कि वोट हमें किसको डालना है। इससे पहले ही जब तक ना हमें पार्टी हाईकमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या हमारी मीटिंग लेगा, हमें डायरेक्शन देगा, तब जाकर हम बताएंगे किसको वोट डालना है। रही बात मीटिंग की, मीटिंगें तो हमारी चलती रहती हैं हर वक्त, और हर वक्त हम इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्शन इस साल में होने हैं। असेंबली का इलेक्शन है, यूएलबी का इलेक्शन है, पंचायत का है, बीडीसी, डीडीसी, ये सारे इलेक्शन इस साल क्लोज हो जाएंगे। इसलिए हम इस वक्त सब इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं। ये मीटिंगें आप देखोगे, मुझे नहीं लगता है कोई दिन ऐसा होगा जब हमारी मीटिंगें होती नहीं है। पार्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बस इलेक्शन है, पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने वर्कर को समझाना होता है और पार्टी को आगे बढ़ाना होता है। अगर हम असेंबली की ओर से चलेंगे, ये बारामूला का क्षेत्र है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है ये किसका क्षेत्र है, क्योंकि हमारा दायित्व जो है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट है। मेरे साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था, पूरी टीम थी। और हम इस वक्त कोशिश में है कि यंग यूथ हमारे साथ ज़्यादा जुड़ना चाहिए। कल जब असेंबली का इलेक्शन होगा, इसी साल में होना है, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा असेंबली का, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उपायुक्त सैयद फखरुद्दीन हामिद ने अंतना